The Title of the topic is impact of a security breach. This topic ke objectives: After completing this topic, a student will be able to describe levels of impact of a security breach on the system. The figures and material in this topic mein, they have been adapted from William Stallings' book with the title Network Security Essentials, Applications, and Standards. In case there be a breach of security, what does अगर सिक्योरिटी का ब्रीच हो जाता है तो कॉन्फिडेंशियालिटी इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी द कैन बी वी कैन कंसिडर थ्री लेवल्स ऑफ इम्पैक्ट्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स कैन बी कंसिडर्ड सबसे पहला जो लेवल है वो है लो द लॉस कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए लिमिटेड एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स और इंडिविजुअल्स तो अगर एक लिमिटेड एडवर्स इफेक्ट होता है तो इसका क्या मतलब है सिक्योरिटी ब्रीच माइट कॉज ए इंडीग्रेशन इन द मिशन केपेबिलिटी टू एन एक्सटेंड एंड द ड्यूरेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू परफॉर्म इट्स प्राइमरी फंक्शन बट द इफेक्टिवनेस ऑफ द फंक्शन इज नोटिसबली रिड्यूस्ड या ये हो सकता है कि आपकी अगर सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है तो रिजल्ट इन ए माइनर डैमेज हो सकता है uh, आपका क्या हो सकता है रिजल्ट इन ए माइनर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या क्या हो सकता है इट कैन रिजल्ट इन ए माइनर Harm to individuals. Now, the level hai, wo hai moderate. The loss could be expected to have a serious adverse effect on your organizational operations, organizational assets, or individuals. So, a serious adverse effect means the loss hai, it might, might cause a significant degradation in the mission capability to an extent and duration. That the organization is able to perform its primary functions, but the effectiveness of the functions is significantly reduced. So, what can you Your functions are, they can reduce significantly. Or, yeah, this also can uh, if security breach is gone, it can result in significant damage to the assets. It can also cause a significant loss, or it can cause a significant harm to individuals that does not involve the loss of the life or serious life-threatening injuries. अगर हाई लेवल हो तो फिर क्या होगा द लॉस कुड कुड हैव द लॉस बी एक्सपेक्टेड टू हैव ए सीवियर और ए कैटेस्टॉफिक एडवर्स इफेक्ट ऑन द ऑपरेशन द एसेट्स और इंडिविजुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या मतलब हो सकता है इट कैन कॉज ए सीवियर डिग्रेडेशन इन और लॉस ऑफ मिशन केपेबिलिटी टू एन एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एबल टू परफॉर्म वन और मोर ऑफ इट्स प्राइमरी फंक्शन तो या तो वन और मोर प्राइमरी फंक्शन उसके डाउन हो जाते हैं एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज अनएल टू परफॉर्म दम दिस कैन ऑल्सो कॉज मेजर रिजल्ट इन दिस कैन रिजल्ट इन मेजर डैमेज टू द ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन मेजर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को या आपका जो uh, आपका क्या हो सकता है इंडिविजुअल है दे केन इवन लूज देर लाइव अब इन एग्जाम्पल example, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की हैं और वहां पे इनका जो सिक्योरिटी ब्रीच होती है उनका इम्पैक्ट देखते हैं पहले सबसे हम देखते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आप स्टूडेंट ग्रेड इंफॉर्मेशन जो है एक ऐसा एसेट है एक ऐसा डेटा है जिसकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बहुत हाई है किसके लिए स्टूडेंट्स के लिए तो ये जो डेटा है जो स्टूडेंट ग्रेड डेटा है ये किसको अवेलेबल होना चाहिए सिर्फ स्टूडेंट्स को अवेलेबल होना चाहिए या आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स इसको देख सकें या आप चाहते हैं कि जो जिस एम्प्लॉयर को आप जहां पे आप जॉब करने जा रहे हैं वो आपका एम्प्लॉयर देख ले एक और अगर हम सिचुएशन देखें तो जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में इनरोल्ड होते हैं तो जो स्टूडेंट इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन है दिस इज कंटेनिंग ए मॉडरेट कॉन्फिडेंशलिटी रेटिंग तो ये इतना इसको कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत नहीं है तो मॉडरेट है ये अगर हम स्टूडेंट एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन इज सीन बाय मोर पीपल ऑन ए डेली बेसिस तो अगर ये टारगेट हो भी जाता है तो इतना डैमेज नहीं होगा सिमिलरली अगर हम एक डायरेक्टरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें सच एज द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और द फैकल्टी इट मे बी असाइंड ए लो और नो कॉन्फिडेंशियलिटी रेटिंग ये कोई भी देख ले आपके जो स्टूडेंट्स की लिस्ट देख ले फैकल्टी की लिस्ट देख ले तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप क्या करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी लो होगी इसकी अब अगर हम इंटेग्रिटी की बात करें तो अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें जहां पे पेशेंट्स हैं और उनकी जो एलर्जी की इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में रखी हुई है तो जो डॉक्टर है ही शुड ट्रस्ट जो डेट जो इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर रहा है वो है करेक्ट भी है और अप टू डेट भी है अब अगर हम सपोज करें एक नर्स है जो ऑथोराइज है जो इस डेटा सेट डेटाबेस को एक्सेस कर सकती है वो क्या करती है डेलिबरेटली उसके अंदर फॉल्सिफाई कर देती है कुछ डेटा को ताकि क्या हो सके हॉस्पिटल को हार्म पहुंच सके ना वट वी वॉन्ट इज दैट कि हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो जो रिस्टोर कर सके जो ट्रस्टेड बेसिस के ऊपर जो क्विकली है उसको क्या करे डेटा को रिस्टोर किया जा सके एंड यू विल ऑल्सो फर्दर लाइक टू ट्रेस डाउन द पर्सन हु हैज मेड द डेटा फोल्सिफाइड अब जो पेशेंट एलर्जी इन्फॉर्मेशन है इट रिक्वायर्स हाई इंटेग्रिटी अगर ये इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो क्या हो सकता है आपका जो पेशेंट है वो सुन के परेशान हो सकता है एंड उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है एंड दिस कॉल कैन कॉज हिज लाइफ तो हम ये नहीं चाहते कि ये ऐसा हो सक हॉस्पिटल तो को क्या होगा मैसिव लाइबिलिटी देनी पड़ेगी अगर हम एक वेबसाइट की बात करें तो एक वेबसाइट क्या कर रही है एक ऑफर कर रही है फोरम सो दैट पीपल कैन गेट रजिस्टर्ड एंड दे कैन डिस्कस स्पेसिफिक टॉपिक तो इसको जो आप इस, इसका जो डेटा है इसको आप क्या, कैसा लेवल असाइन करना चाह रहे हैं मॉडरेट लेवल असाइन करना चाह रहे हैं अगर हम एक लो इंटेग्रिटी का एग्जाम्पल देखें तो एक वेबसाइट है जहां पे अनोनमस ऑनलाइन पोल चल रहा है तो इसके डेटा को कोई खराब भी कर दे तो यूट यू डोंट बॉर्डर्ड अबाउट इट अब हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी uh, के बारे में द मोर क्रिटिकल ए कॉम्पोनेंट और सर्विस

दे आर अनएबल टू एक्सेस देयर रिसोर्सेज एंड दे के नॉट परफॉर्म देअर क्रिटिकल टास्क एक मॉडरेट अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट की क्या एग्जाम्पल होगी अगर आपके पास एक वेबसाइट है एक यूनिवर्सिटी की तो uh, इसकी एग्जाम्पल कैसे है जैसे आपका मॉडरेट अवेलेबिलिटी है अगर वो वेबसाइट ऑन अवेलेबल है या नहीं है तो इट वोट मैटर टू मच सिमिलरली अगर ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी की अगर आप बात करें तो अगर उसकी वेबसाइट डाउन हो जाती है तो आप क्या करेंगे आप ऐसी आ, को क्या कर सकते हैं लो अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट असाइन कर सकते हैं तो इस टॉपिक में हम लोगों ने डिफरेंट सिक्योरिटी ब्रीचेस के जो इम्पैक्ट है वो देखें और इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश की है